सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक मेरे को लग रहा है, और दिन के मुकाबले जो है थोड़ा ठीक है। रात डॉक्टर के पास गए थे तो उसने दवाइयाँ दी है चेंज करके। मेरे पेट में कुछ मेरे को लग रहा था, कुछ अजीब सा मतलब, तो मैंने बताया डॉक्टर को कि पेट में कुछ हो, दर्द कभी कभी दर्द हो रहा था। तो कल रात दवाई खाई थी, सुबह खाई थी, तो अभी पहले से काफी आराम है। और ये किचन और ये बर्तन जो है, सुबह का बच्चों को स्कूल भेज दिया मेरे हस्बैंड ने, और झाड़ू पोछा भी कर दिया है, बर्तन वगैरह धो के चले गए। तो आज तो उन्होंने नाश्ते में ब्रेड ही लेके आए थे, क्योंकि वो भी 3-4 दिन से जो है परेशान हो गए काम कर करके। तो आज तो ब्रेड ही दे दी उन्होंने बच्चों को, और मैंने भी ब्रेड ही खाई। कपड़ों का भी ढेर पड़ा हुआ है, तो अभी तो मेरे बस की है नहीं, तो मैं जरा बाहर पौधे में पानी डालने जा रही हूँ। मेरे पौधे सूख रहे इतने दिनों से, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही पौधे वगैरह को, थोड़ा पौधे में पानी डाल देती हूँ, पानी भर लेती हूँ बाल्टी में। ये राधे यहाँ पर बैठा हुआ है, ये तो कूड़ा भी कर देता है ये सफाई के बाद तुरंत ही। मैं जा रही बाहर बालकोनी में, मेरे पौधे रखे हुए। ये सदाबहार का पूरा पौधा सूख गया, देखो बिना पौधे के। अब पानी डालूंगी तो ठीक हो जाएगा। ये हमारे हमने जीने में रखे हुए पौधे, और ये जीने की बाल जीने वाली बालकोनी है हमारी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं इधर सर में सर्वे पहले थोड़ा ऑयलिंग करूँगी। मेरे को मंडे को मैं सर धोती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर धोने की, और काफ़ी दिन से सर धुला नहीं है, और गर्मी भी है तो अजीब सा लगता है जब तक सर ना धो। तो आज पहले मैं हल्की हल्का अपने सर पे तेल लगाती हूँ, वरना मेरे बाल भी ख़राब हो जाते हैं बिना ऑयलिंग के। अगर सर धो तो कभी इतने दिनों ऐसे ही हो रहा था, ऑयलिंग करती हूँ फिर आधे घंटे या 1 घंटे बाद नहा जाऊंगी मैं।
दोपहर का 1 बज रहा है और मैं नहा गई हूँ और अभी तब खाना बनाती हूँ मैं। आज पुलाव बना दूँगी मैं, थोड़ी देर में बनाती हूँ। बड़ी तो मैंने भिगा दी है और तब थोड़ी देर में पुलाव बनाती हूँ। और 2-3 दिन से मौसम ऐसे ही हो रखा है, मतलब कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। और स्कूल के लड़कों की जो दोपहर की शिफ्ट होती है वो जा रहे हैं स्कूल में बच्चे, तो मैं अपने बाल सुलझा लेती हूँ। आज मेरे यहाँ पे जो है कबूतर ने अंडे दे दिए, 2-3 दिन में देख नहीं पाई तो यहाँ पे अंडे दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं है अंडे जो है वो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चील वगैरह भी बहुत सारी घूमती रहती हैं और थोड़ा सा खुला एरिया है। तो देखो अब अंडे तो दे दिए कबूतर ने, तब देखो क्या होता है। देखिए कितनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर रखी है। आ गई भी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो ये प्याज लहसुन काट के चले गए हैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए, तो मैं पुलाव चढ़ा देती हूँ। पुलाव चढ़ा दिया है मैंने और ये रायता भी बना के चले गए बच्चों के लिए। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और एकदम से अंधेरा हो गया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम चेंज हुआ है। लग तो रहा है बारिश आएगी, देखते हैं तब। मैं भी यहाँ पे अपनी बालकोनी में आई हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा हवा खाने में। और ही नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी ओ जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। कपड़े हटा देती हूँ, ये तौलिए सूख रहे। हल्की हल्की बारिश होने लग गई है और ये भी मारुति भी आ गया है, दुकान में गया है चीज लेने के लिए। कहाँ गया, तारी कहाँ छुप गया? अरे मारती देख, वो देख, उठा ले उसे। अरे पेड़ से गिरा है। अरे पेड़ से गिरा है वो। पेड़ से क्या मिला? अरे वाह, जा उसी टाइम गिरा था पेड़ से। अच्छा। मैंने वैसे भी कसम तो लग रही है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 वाली ना लग रही है। नीचे हमारे पेड़ उगे हुए हैं उसके, पता नहीं नींद हुए वो है तो ये हवा से गिरा उसी टाइम जो है। फिर ये मंच 6.3 ग्राम वर्ड रुपए 4 रुपए के।
खाना दे दो बच्चों को। मेर में एक्स्ट्रा दूंगी जी। एक्स्ट्रा डाल दूंगा, 10 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा। चलो लगेंगे एक्स्ट्रा डालने के लिए। पुलाव बन गया तुम दो, ठीक है। मैंने अपने लिए फ्रूट भी काट लिए। चपाटा के 10 रुपए लगेंगे। मैं जा रही हूँ फ्रूट खाने अंदर में, तुम अपने बच्चों को खाना दे दो, ठीक है। बच्चे है तेरे, बच्चे बच्चे तेरे बच्चे, दिल के है बड़े गंदे बच्चे तेरे बच्चे। अरे मिल जाएगा तेरी, हो गया सुबह मम्मी दे दी थी। मैं नहीं देख रही थी यार, इसके अंदर धैर्य नहीं है बिल्कुल भी, नाम ही है इसका धैर्य। मैं फ्रूट खा रही हूँ, मैंने अपने लिए सेब और वो काटा हुआ है। गीला कैसे हो रहा है यहाँ पे? पपीता, बाहर बारिश हो रही है। बारिश होने लगी है अच्छी खासी, खूब तेज बारिश हो रही है। बच्चे आ गए टाइम से स्कूल, अंदर भूल जाते। शुभ संध्या दोस्तों, शाम की जो है 7 बज रहे हैं और थोड़ी देर में छत पे चली गई थी और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर मेरे को 8 बजे जो है दवाई लेने जाना है डॉक्टर पे। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, बनाने की सोच रही थी मैं, तो बैंगन तो कम है, भरता तो नहीं बन पाएगा, इसलिए आलू बैंगन की सब्जी बना देती हूँ। तो सब्जी काट लेती हूँ। सब्जी मैंने काट दी है, धो दी है। अब मैं पहले जो है टमाटर काट देती हूँ और टमाटर के साथ में ही मैं हरी मिर्च भी काट दूंगी। और मैंने उधर कढ़ाई में तेल चढ़ा रखा है और तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो है जख्या डाल देती हूँ। जख्या डालने के बाद में मैंने इसमें हींग डाली और उसके बाद में टमाटर और हरी मिर्च डाल दी मैंने इसमें। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद में मैंने इसमें मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और मसाला भूनने के बाद में मैं इसमें बैंगन डाल देती हूँ और थोड़े से जो बैंगन है इनको भून लेती हूँ और उसके ऊपर से और बैंगन डाल दूंगी और फिर इसको ढक दूंगी। नीचे के जो टमाटर है वो गल जाएंगे। तब तक मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। जब तक जो है टमाटर गलते हैं तो मैं आटा भी माड़ के रख दूंगी, तब थोड़ी देर में जो है रोटी बनेगी। और ये बर्तन धो के, दिन के बर्तन इन्होंने धोए थे तो इनको भी मैं लगा देती हूँ साथ के साथ में। और टमाटर गल चुके हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, एकदम सूखी सब्जी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा लटपटी सी बनाऊंगी क्योंकि तबीयत खराब हो रखी है तो मुंह भी अजीब अजीब सा हो रखा है, तो इसलिए मैं लटपटी सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी बनने ही वाली है, लगभग थोड़ा सा ही टाइम लगेगा सब्जी बनने में। सब्जी बन के तैयार है, तैयार है। थोड़ा ढक देती हूँ और 8:15 है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। मिल गया पेन? हो गया। दवाई लेके आ गए हम, 8:20 हो रहे हैं तो अब दूध भी चढ़ा दिया मैंने, दूध भी अभी लेके आई थी। तो हम दोनों मिलके जो है रोटी बना देते हैं, तब ये बर्तन धो देंगे। एक दो दिन की और बात है, ठीक हो जाऊंगी फिर मैं। तो बनाते हैं हम रोटी रात की मिलजुल के। अरे क्या कर रहे हो, रोटी खा रहे हो? रोटी ये रोटी खाना, रोटी भाई साहब, एक हाथ से रोटी पकड़ के खा रहे हैं। रोटी खाने 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 मस्त मजे से खा ले। उन लेगा उन रोटी लेगा? नहीं 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 ऐसे बोल के खाओ।
बन गया है रात का खाना, तो मैं खा रही हूँ सब्जी रोटी। तो अभी 8:30 हो रहे हैं रात के, तो इस ब्लॉग का एंड भी मैं कर देती हूँ यहीं पे। फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सुप्रभात, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट भी जरूर करें। बाय।